नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे आँख के आई प्रेशर के बारे में। दोस्तों आँख के आई प्रेशर को हम इंट्रा ऑकुलर प्रेशर IOP के नाम से जानते हैं। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या है? दोस्तों हमारी आँख एक थैली की तरह है, उसके अंदर लिक्विड है और वो लिक्विड जो आँख की वॉल्स पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको हम इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बोलते हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर 11 मिलीमीटर मर्करी से लेके 21 मिलीमीटर मर्करी के बीच में नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर माना जाता है। दोस्तों इंट्राओकुलर प्रेशर कई तरह की बीमारियों को भी इंडिकेट कर सकता है अगर ये नॉर्मल से कम हो या नॉर्मल से ज़्यादा हो। दोस्तों ये जो आँखों के अंदर का लिक्विड है इसका अपना रोल है, बट अगर ये आँख के प्रेशर को बढ़ा देता है या आँख का प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाता है तो ये कई तरह की बीमारियों को इंडिकेट करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंट्राओकुलर प्रेशर मापा कैसे जाता है। दोस्तों इसके लिए एक स्पेसिफिक मशीन होती है जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर या कॉन्टैक्ट टोनोमीटर बोलते हैं। ये आँख का प्रेशर, जैसे हम आँख को जब दबाते हैं उंगली से जो प्रेशर फील होता है, ये एक्चुअली मशीन ये आँख का प्रेशर मापती है। तो अब ये आँख का प्रेशर डिटरमिन क्या करता है? दोस्तों आँख का प्रेशर अगर 21 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो रहा है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि आपकी आँख में काला मोतिया होने के चांस है। ऐसे ही दोस्तों अगर ये प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 3 या 4 मिलीमीटर मर्करी रह जाता है, तो ये या तो आपकी आँख का पर्दा उखड़ गया है तब आपकी आँख का प्रेशर लो होता है, या आँख में कोई चोट लगी हो जिससे ये लिक्विड ही निकल जाए किसी तरह से, तो आपकी आँख का प्रेशर इतना लो हो सकता है। तो दोस्तों आँख का प्रेशर आपकी आँख की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आजकल हमारे हॉस्पिटल में जितने OPD में पेशेंट्स दिखाने आते हैं उन सब में ये रूल बनाया गया है कि एज अ स्क्रीनिंग पर्पस हर पेशेंट का आँख का प्रेशर जरूर चेक होता है, क्योंकि इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है आँख का हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम साल में एक बार आपकी आँख का प्रेशर का चेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो का यही मकसद है कि आँख के प्रेशर के बारे में पेशेंट को नॉर्मल जानकारी नहीं होती, जबकि यही आँख का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी आँख के लिए एक साइलेंट किलर बन सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इसी बारे में अवेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू।